अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। आज हम चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बनाने जा रहे हैं, बच्चों का मोस्ट फेवरेट और द मोस्ट अवेटेड डिश जो अब तक हमने हमारे चैनल पे नहीं डाली थी, चिकन टिक्का क्लब सैंडविच। तो उसके लिए चीज़ें क्या लगेंगी मैं बता देती हूँ फटाफट से। यह हमने ग्रीन चिली सॉस लिया है, मेयोनीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये मैं नॉर का इस्तेमाल कर रही हूँ मेयोनीज। चीज स्प्रेड कीरी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्स्ड हर्ब लेंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये किसी भी मॉल में, बिग बाज़ार में, कहीं पे भी सुपरमार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और रिजल्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आता है, स्पेशली चिकन में। रेड चिली सॉस लेंगे उसी के साथ हम। ये टमाटो केचप है, ये 1 टेबल स्पून है, सॉरी ये 1 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून टमाटो केचप है। ये 1 टेबल स्पून हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगा चिकन टिक्का मसाला। ये 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, क्योंकि हम रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम इसमें 1 टीस्पून ले रहे हैं। जो अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, हम ज़रा तीखा और चटपटा हॉट एंड स्पाइसी बना रहे हैं, इसके लिए हम ये दोनों चिलीज का इस्तेमाल करें, ग्रीन एंड रेड चिली सॉस का। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 3 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया है। नमक हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये ब्लैक पेपर है, ये भुना कूटा घर का ब्लैक पेपर है, ये हमारा होममेड ब्लैक पेपर है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे, 3 कैप्सिकम है, इसे मैंने ऐसे राउंड रफली चॉप कर लिया है। बटर का इस्तेमाल करेंगे, कुकुम्बर दैट्स काकड़ी, लेटस, ये मुझे ज़्यादा नहीं मिले, आपको अगर मिले तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है और क्लब सैंडविच में लेटस होना बहुत ज़रूरी है। और टमाटोस कट करके रखा है। यहाँ पे मैंने चिकन को ऑलरेडी नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसे हाथों से ऐसे श्रेड कर लिया है, तो नमक हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, इसीलिए हम नमक थोड़ा यहाँ पे कम इस्तेमाल करते हैं, बट यूजुअली नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। यहाँ पैन पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले इसमें अब ये पूरा चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया और उसी के साथ ये तमाम मसाले, दैट्स जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये डाल दूंगी। फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे क्योंकि ये नीचे लगने का चांसेस रहता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसी के साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, केचप, 1 टीस्पून केचप डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज अभी हम नहीं डालेंगे, बताते हैं आपको नेक्स्ट। रेड चिली सॉस डालेंगे, ये 1.5 में ले रही हूँ रेड चिली सॉस, एंड सेम में ग्रीन चिली सॉस भी लूंगी। हम थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बना रहे हैं। ये देखिए, ले लिया, मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे।
अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इतना पानी डाल देंगे कि सारे मसाले अच्छी तरह भून जाए। अब हम ये यूजुअली इसको असेंबल करते हुए डालते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चे इसे निकाल के फेंक देते, खाते नहीं है, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। नहीं तो इसे आप असेंबल करते वक्त ही डालिएगा, ध्यान रहे इसे असेंबल करते वक्त ही कैप्सिकम डालते हैं, शिमला मिर्च, लेकिन मेरे बच्चे निकाल के फेंक देते हैं ना, इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा भून ले रही हूँ, थोड़ा सा नरम लगेगा तो खा लेंगे। इसके लिए ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है, बड़े भी हम कहीं बाहर जाते हैं स्ट्रीट स्टाइल में कुछ खाने तो बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। ये हो गया है तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने देते हैं। ये मैंने ऑफ कर दिया है, इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिए। एक टिप देना चाहूंगी यहाँ पर मैं, कभी भी गरम में इसे असेंबल मत कीजिएगा वरना आपका सैंडविच तबाह हो जाएगा। इसे कूल डाउन होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, और जब तक ये ठंडा होता है हम ऑमलेट भी बना लेते हैं और ब्रेड को ग्रिल भी कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने, मेरे पास ये ग्रिल पैन है तो मैंने पैन रखा था गरम को, ये अच्छा खासा गरम हो चुका और मैंने इस पे बटर भी डाल दिया है। तो अब मैं इसको इस तरीके से ब्रेड रखूँगी, इस पे मैंने बटर लगाया, पैन में भी बटर लगाया। अगर आपके पास टोस्टर हो तो आप टोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हियर आई वॉज हैविंग दिस टू पैन्स तो मैंने उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसे अभी हम 2-3 मिनट तक ग्रिल होने देते हैं। इसे पहले गर्म कर दिया है और इस पे मैंने ब्रेड पे बटर लगा दिया है। नीचे पैन में भी पहले थोड़ा बटर डाल दिया, आपने देखा होगा शुरू में। और जब तक ये होता है और हमारा वो स्टफिंग चिकन का कूल होता है, मैंने एक अंडा फेंट के इसमें 1 पिंच नमक डाल दिया और एक बड़ा सा ऑमलेट इसे बना दिया है। ये देखिए अब हम इसे ग्रिल होने देते हैं जब तक हमारा चिकन भी ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये कूल हो गया तो अब मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, चिकन में मेयोनीज डाल दूंगी। यहाँ मैं नॉर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसे ज़रा मिक्स कर लेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। और साथ ही मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल दूंगी। थोड़ा और ब्लैक पेपर डाल देंगे, मेयोनीज डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब ये कंप्लीटली रेडी हो गया है और यहाँ पे हमने टोस्ट भी, ब्रेड को अच्छी तरह ग्रिल करके टोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे असेंबल करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, तो अब हम इस पे सबसे पहले मेयोनीज लगाएंगे, जेनरसली लगाएंगे, बहुत बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। ये यहाँ लग गया। अब हम इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे।
ये यहाँ हो गया, थोड़े से सैलेड रख देंगे, दैट्स कुकुम्बर एंड ये दूसरा लेयर है, इस पे भी हम, यहाँ मैं कीरी का चीज स्प्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, इस पे हम चीज लगा देंगे, इस तरह रखेंगे, दोबारा से इस पे मेयोनीज लगाएंगे, मेरे पास ये ग्रिल प्लेट थी, ग्रिल पैन्स थे तो मैंने उस पे कर दिया, आपके पास अगर टोस्टर अवेलेबल हो तो टोस्टर पे कीजिए, या आपके पास टोस्टर भी नहीं है तो आप ऐसे कोई भी नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हम इस पे ये ऑमलेट रख देंगे, लेटस लीव रख देंगे, चीज लगा देंगे दोबारा से, दिल खोल के लगाइए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, बच्चों के लिए है। थोड़ा सा काली मिर्च इस पे डाल देंगे, अब हम इसे कट कर देंगे, ये इसे हमने दो इसमें कट कर दिया और अब हम इस पे चीज डाल दे रहे हैं, किसके, बहुत टेस्टी लगता है, ले लीजिए, टेस्टी हॉट एंड स्पाइसी चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बनके रेडी है, आप इसे अपने बच्चों को बना के खिलाइए। और एक और टिप यहाँ पे मैं देना चाहूंगी, ये जो हमने चिकन की स्टफिंग की है इसे आप प्रिपेयर करके फ्रिज में भी रख सकते हो, और जब भी आपके बच्चों को भूख लगे या आपका मन हो खाने का तो ब्रेड पे इसी तरह इसे असेंबल करके स्टफिंग करके बना के खा सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ राहत किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, लाइक का बटन भी दबाइए, अल्लाह हाफिज़।